हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आज 27 तारीख है, संडे का दिन है। एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग, एंजॉय कीजिए। ये यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, ये ब्रूलीज की एक कंपनी है जिसमें भी कंटिन्यू फॉल दिख रहा है। इसने कहीं 731 का 800 का हाई बनाया था, उसके बाद फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, और अभी कंटिन्यू ये एक फॉल के साथ पैटर्न पे काम कर रहा है। हो सकता है कि ये और थोड़ा सा वापस अपने लो को टच करे। तो आइए एक बार इसके फाइनेंशियल को देखते हैं। तो ये क्या है? यूनाइटेड स्पिरिट इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर परचेज सेल ऑफ बेवरेज अल्कोहल स्पिरिट एंड वाइन्स, इंक्लूडिंग थ्रू टाई अप मैन्युफैक्चरिंग एंड थ्रू स्ट्रेटजिक फ्रेंचाइजिंग ऑफ सम ऑफ इट्स ब्रांड। इसका जो हाई है वो है 730 रुपये 80 पैसा और जो लो है 439 का, और ये अभी 554 रुपये चल रहा है। मार्केट कैप है इसका 40,000। इसके अच्छी चीज जान लें और एक बार बुरी चीज जान लें। आज खराब में क्या है? कैश जनरेशन कंपनी नहीं, कैश उतना जनरेट नहीं हो रहा है इसके पास, क्योंकि प्राइस टू कैश फ्लो देखिएगा 42 टाइम्स है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखिएगा तो थोड़ा महंगा है, 16 है, लेकिन हो सकता है ये फैशनेबल ब्रांड है तो शायद ज्यादा पैसा ले रहा है। चलो ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू वहां तक एडजस्ट हो जाता है, लेकिन इसको कैश जनरेशन होनी चाहिए। कैश जनरेट नहीं हो रहा है, एक कंसर्न है। डेप्ट इसके पास 3200 करोड़ है, लेकिन इसके पास अच्छा क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6.13 है। पर जिस तरह की ये ब्रांड में है उसमें सिर्फ 12% ऑपरेटिंग प्रॉफिट बता रहा है, यहाँ पे फिर एक कंसर्न हो जाता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1000 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21% है और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 16.72 है। शेयर होल्डिंग परसेंट देखें तो प्रमोटर के पास 50.76% है। FI ने अभी ऐड किया है, म्यूचुअल फंड भी बाइंग कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे, इन्होंने 3.38% अपना जो है ना वो गिरवी रखा है शेयर को, ये एक कंसर्न है। 470 FI ने लिया हुआ है और प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग जिसका रिले BB 54.78% है और USLA बेनिफिट ट्रस्ट 2.38% है। तो यहाँ पे जो एक गिरवी रखा हुआ शेयर है वो एक कंसर्न है। अगर मैं इसकी रिटर्न की बात करूं तो रिटर्न वन डे देखे निगेटिव है, वन वीक भी निगेटिव है, वन मंथ भी निगेटिव है, थ्री मंथ्स में देखे तो 3.81% और वन ईयर में भी निगेटिव है, टू ईयर्स में देखे तो 26%, पाँच ईयर्स में देखे 2.91%, 10 ईयर में अच्छा कर दिया, 5 ईयर, 3 ईयर में 2.73%। तो ओवरऑल ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाता है और यहाँ रिटर्न परसेंटेज थोड़ा वीक दिखता है। अभी रिकमेंडेशन है, मोतीलाल ओसवाल जी ने 24 जनवरी 2019 को इसका 620 का रिकमेंडेशन दिया है और 24 जुलाई 2018 को एडलिविस ने 720 का दिया था, लेकिन ये पुराना था। लेकिन रिसेंटली अभी 24 जनवरी 2019 को कृष्ण शर्मा मूर्ति ने, मोतीलाल ओसवाल ने 620 का रेट दिया। तो यूनाइटेड स्पीड एक अभी जो 50% की बाइंग रिकमेंडेशन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू 16.48 है, 30 अभी 16% 21% 22% 29% की डिलीवरी दिख रही है आपको। और फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल इन्होंने अच्छा परफॉर्म दिया है। आप देखेंगे तो सितंबर में 2200 से 2500 का सेल तो हुआ है, लेकिन इसमें देखेंगे नेट प्रॉफिट जो हुआ है वो डिक्रीज हुआ है 200 क्वार्टर से क्वार्टर में बात करें, या ईयर ऑन ईयर की बात करें तो भी वहां पे मार्च 18 के कंपेरिजन में दिसंबर 18 में थोड़ा लॉस हुआ है और टोटल डेप्ट अभी 2896 करोड़ का है। तो प्रॉफिट में प्रेशर पड़ा है इसमें, इनका प्रॉफिट कम आया है, सेल बढ़ा है, प्रॉफिट कम आया है, अदर इनकम जबकि इनका बढ़ा है, लास्ट क्वार्टर से बढ़ा हुआ है। तो प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन इनकम टैक्स ये भी घटा है लास्ट क्वार्टर से और नेट प्रॉफिट भी घटा है, तो फाइनेंशियल में प्रेशर आया है इनका। अगर शेयर होल्डिंग परसेंटेज आपको वहां पे बता ही दिए, लेकिन यहां पे देखेंगे दिसंबर में तो शेयर होल्डिंग परसेंट डिक्रीज किया इन्होंने, इनका 58.48% था, इसको अभी 56.76% इन्होंने रखा है। तो शेयर होल्डिंग परसेंटेज जो है इन्होंने यहाँ पे जो रिपोर्ट बता रहा है इसमें डिक्रीज बता रहा है, इन्होंने अपने शेयर होल्डिंग परसेंटेज को सेल किया है, कहीं ना कहीं कंसर्न तो है जो दिख रहा है, थोड़ा प्रेशर लगता है कि आपको देखने को मिलेगा इसमें।
कंपनी खराब नहीं है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, पोजिशनल स्टॉक पर आप इसको रख सकते हैं। टॉप शेयर होल्डिंग परसेंटेज एक बार इसका देख लेते हैं। तो इसमें टॉप शेयर होल्डिंग परसेंटेज में किसके किसके पास है, यूएसएल बेनिफिट ट्रस्ट के पास 2.38% है, जर्मनी पेट्रोनेट के पास 2.4%, मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस्ड मल्टी कैप फंड के पास 1.36% है, फॉरेन नेशनल के पास 0, बडीज कॉर्पोरेट के पास 4.63% है। ये है प्रमोटर्स होल्डिंग में देख लेंगे एक बार। तो यहाँ पे विजय मालिया के पास 0 हो गया अभी, रिले वीबी के पास 54.78 है, और जो शेयर गिरवी रखा हुआ यूनाइटेड ब्रिवरीज होल्डिंग के पास, ये देखिए इनका 2% का 39% होल्डिंग है और इनका 0.81% का 86%, तो टोटल 3.38% होल्डिंग है इनका गिरवी है। किंग फिशर फिनवेस्ट इंडिया ने गिरवी रखा है और यूनाइटेड ब्रिवरीज होल्डिंग की जो शेयर है उसकी 39%, ये इसको शेयर को गिरवी रखा है। तो ये दोनों ने गिरवी रखा अपने शेयर को। एक बार इसके कॉर्पोरेट एक्शन को देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद चार्ट पे जाते हैं। तो कॉर्पोरेट एक्शन में अगर डिविडेंड की बात एक बार देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने अभी 16 मई 2013 को लास्ट डिविडेंड बांटा था, वो 2.5 रुपये पर शेयर करके 25% बांटा था, उसके बाद से डिविडेंड नहीं दे रही है। बोनस को देख लेते हैं, बोनस भी इन्होंने दिया नहीं है और नहीं तो स्प्लिट हुआ है, ये स्प्लिट एक 13/4/2018 को फेस वैल्यू डिक्रीज हुआ था, 10/2 हुआ था, तो वो स्प्लिट हुआ था, वो 500 रुपये स्प्लिट हुआ था, अब रिसेंटली हुआ है 13 अप्रैल 2018 को हुआ है, ताकि लोग और इसमें ये 2000 का स्क्रिप्ट हुआ करता था, तो अभी आपको इसके बाद उसको तोड़ा गया था और नीचे के लेवल पे आया गया था। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा अभी, पहले ये देखिए 2021-22 यहाँ पे ये ट्रेड करता था और यहाँ स्प्लिट होकर के टूट करके ये 343-342 यहाँ पे लो आया था 335 का, और फिर इसने अब बनाते बनाते 800 तक ये आपको बना दिया था 15 अप्रैल 2018 को हुआ था, ये 15 अप्रैल 2018 यहाँ पे हुआ होगा, 15 अप्रैल तो अभी ये चार्ट पे जो पैटर्न बता रहा है इसके अनुसार ये एक बार अभी जो करंट प्राइस चल रहा है इसका, ये चल रहा 554 जो कि 25 तारीख की क्लोजिंग है। आप 25 तारीख की क्लोजिंग देख लीजिए, 25 तारीख की क्लोजिंग जो मिलेगी आपको वो 554 पे दे रहा है, और अगर इसके वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस भी देख लें तो यहाँ पे भी थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, जो 560 पे क्लोज हो रहा था 554 पे, तो वीकनेस अभी है इसमें, वीकनेस आपको कंटिन्यू दिखने को मिल रहा है और मिलेगा आपको। तो चार्ट पे एक बार जो दिखने को मिला है इसको 522 या 524 पे एक बार सपोर्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सपोर्ट पे रुकेगा यहाँ पे, फिर उसको तोड़ता है तो 500 पे है, तो मान के चलिए एक बार ये 470 तक का लेवल टेस्ट कर सकता है, बट ये 470 का जो लेवल होगा अच्छी खासी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, इसमें आपको देखने को मिल सकता है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। और 470 टूटता है तो इसका गोल्डन एवर सपोर्ट है 370 पे, तो वहाँ पे भी आपको जाकर के ये देखने को मिल सकता है, लेकिन इतना नीचे मुझे नहीं लगता कि 370 के लेवल पे जाएगा। हाँ जब ये जरूर है कि इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 16 times ये हाई है, प्राइस टू कैश जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो हाई थोड़ा है, और फाइनेंशियली जो इसका रिजल्ट थोड़ा सा निगेटिव आया है वो सब लेकर के आप कह सकते हैं कि थोड़ा कॉस्टली है। तो अगर ये लोअर लेवल पे आपको आए, जो कि ये आप देखेंगे चार्ट पे देखेंगे ये एक बार उठ के गया था, यहाँ से फॉल किया था 466 और वहाँ से गया था, तो आप एक बार 466 से 800 तक के लेवल को टच किया था इसने, फिर ये फॉल करके वापस वहीं पे 466 आया, 70 आया, फिर ये हाफ रिटर्न लिया। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी अगर हम देखेंगे उसको, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यही बताता है कि एक बार ये यहाँ से आपको हो सकता है कि आपको यहाँ पे जो 446 का लेवल था वो लेवल
पहले पर 522 525 के आसपास सपोर्ट है इसको, 522 के आसपास, तो वो सपोर्ट को 521 75, तो ये 522 के आसपास सपोर्ट है। लेकिन वो लगता है कि हो सकता है कि वो, अब देखिए इसको रेस्पेक्ट कर रहा है, अभी इस लेवल को नहीं आया है, और ये हाई अभी तक ऊपर तक यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे हाई एकदम 675 का हाई लगा के फिर से नीचे की ओर फॉल कर रहा है, जो कि 67% था, 61% था, वहाँ तक टच करके फिर वहीं पे जस्ट यहीं पे देखिए इसी लेवल के आसपास यहीं पे लेवल पे आके 661-662 पे यहाँ से फिर फॉल ले लिया इसने। तो हो सकता है कि एक बार ये 521-520 को टेस्ट करें, और मुझे नहीं लगता यहाँ से, लास्ट टाइम तो यहाँ से अप ले लिया था, इस टाइम देखिए क्या करता है, ये अप लेता है या नहीं, और अगर इसे सपोर्ट नहीं करता है तो इस लेवल पे आकर के 470 के आसपास ही सपोर्ट लेगा, और मुझे बिलीव है कि एक बार ये लगता है निगेटिव पैटर्न है तो 470 तक हो सकता है कि आपको दिखा दे। ये यूनाइटेड ब्रिवरीज एक दारू बनाने ब्रिवरीज की, मतलब कि अल्कोहल स्पिरिट एंड वाइन्स अल्कोहल की एक अच्छी कंपनी है, लेकिन प्राइस वैल्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और डिविडेंड नहीं देना, प्राइस टू कैश फ्लो, ये एक कंसर्न हैवी प्राइस यहाँ पे दिखता है अपने को। फिर भी ये आपको पोर्टफोलियो 470 पे आए तो ये एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है, यहाँ पे हो सकती है, और फिर अगर ये एक बार अपवर्ड ले तो वापस आपको इसमें वो मादा है कि वापस आपको ये 670 इस लेवल जो आपको अभी टच करके आया है 670, और फिर यहाँ से 720 तक दिखा सकता है आपको, और उसके ऊपर भी दिखा सकता है। तो हो सकता है कि 6 महीने के टारगेट से आप इसको 720 तक का लेवल आप 6 महीने के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें आप नीचे की ओर बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, लॉन्ग पोर्टफोलियो स्टॉक के लिए अच्छा है। और RSI देखें तो अभी आज जो RSI दिखा रहा है वो 42% दिखा रहा है, तो ओवरसोल्ड कैटेगरी में भी नहीं दिखा रहा है। और MACD की बात कर लें तो MACD भी जो दिखा रहा है, ये देखिए ये क्रॉस करके दिखा रहा है, और जस्ट ये अभी MACD एवरेज लाइन को क्रॉस, पहली लाइन क्रॉस बनी है, इसका मतलब ये अभी तोड़ने के लिए तैयार है। तो ये नीचे आपको अभी देखने को मिल सकता है। बस यूनाइटेड स्पीड में एक छोटा सा यही अपडेट था, नीचे जाता आपको 420-470, यहाँ पे आपको अच्छी खासी 440 जो है उसका, 440 पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 440 पे उसको, तो 440 के नीचे तो 470 भी तोड़ता है तो 440 लास्ट, तो आपको देखना है 522, 470, 440, ये तीन लेवल है जहाँ पे इसको अच्छा खासा सपोर्ट है। वॉल्यूम देखेंगे तो अभी वॉल्यूम जो चल रहा है 21 लाख 42 लाख 16 लाख का वॉल्यूम चल रहा है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, कोई भी मार्केट में आप पोजीशन बनाने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें, पेपर ट्रेडिंग करें, और मेरा कोई भी सजेशन